तो एग्जैक्टली बीटीसी ने वहीं से बाउंस बैक दिया जहां से हम लोगों ने फ्राइडे को प्रेडिक्ट किया था। फ्राइडे वाले वीडियो में हमने यही बोला था कि ये वाला एरिया काफी क्रूशियल है बीटीसी का और यहां से बाउंस बैक आ सकता है, वही हुआ। बीटीसी में बाउंस बैक आया और 57,000 के पास आज की डेट में पहुंच गया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी भी डाउन ट्रेंड में बीटीसी चल रहा है, यहाँ पे अभी भी सेफ जोन के अंदर नहीं आया। तो सेफ जोन कौन सा होने वाला है बीटीसी का, इसी बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लस हम लोग बीटीसी का बॉटम भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, कौन से एरिया पे बॉटम बन सकता है। हो सकता है ये जो एरिया टच किया है शायद यहाँ पे बॉटम बन चुका है, ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि सच में बॉटम हो गया है यहाँ पे, अब कोई फिक्र वाली बात नहीं है, या फिर अभी एक और बॉटम लगना बाकी है। उसके साथ पांच ऐसे ऑल्टकॉइन बताऊंगा जिनमें आप अपनी बाइंग कर सकते हो। बट स्टिल बीटीसी अभी खतरे के जोन से बाहर नहीं आया तो हमें पार्ट्स के अंदर बाय करना है। डॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, डॉक्स का लॉन्ग टर्म में क्या प्राइस प्रेडिक्शन रह सकता है, प्लस शॉर्ट टर्म में कितना आपको ये रिटर्न दे सकता है, डेफिनेटली इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। और उसके साथ इंपॉर्टेंट इवेंट है कल के दिन जो कि सीपीआई डाटा आने वाला है, तो हो सकता है मार्केट में एक रिलीव रैली आई हो क्योंकि काफी बड़ा एक डाउनसाइड का मूव आया था, तो ये शॉर्ट स्क्वीज भी हो सकता है या फिर एक रिलीव रैली भी हो सकती है। तो सीपीआई डाटा पे भी गौर फरमाएंगे कि सीपीआई डाटा कितना आता है और मार्केट को कितनी हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली इस बारे में बात करेंगे। उसके साथ बहुत सारे की इवेंट्स हैं इस महीने के अंदर तो इनको नोट करना है, जैसे कि आज के दिन यहां पे जो है डिबेट है कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में, तो ये बहुत क्रूशियल रहेगा कि वो लोग क्या किस बारे में डिबेट करते हैं, वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। सीपीए डाटा कल के दिन आना, मैंने आपको बताया। पीपीए डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 12 तारीख को आएगा। एफओएमसी की मीटिंग जिसका हमें काफी देर से इंतजार है रेट कट का, वो भी हो सकता है 18 तारीख को। उसके बाद जीडीपी डाटा आएगा, रिलीज होगा यूएस का, वो 28 तारीख को होगा। ये भी देखने वाली बात होगी रिसेशन यूएस में आता है या नहीं आता, ये जीडीपी डाटा तय कर सकता है। उसके बाद 29 तारीख को सीजी बाहर आ रहे हैं, ये भी काफी बुलिश रहेगा सारे ऑल्ट्स के लिए, काफी बुलिश रह सकता है मार्केट के लिए बेसिकली। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार देख रहे हो, और मेक श्योर या लाइक जरूर करना, आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है। और बेल वाली घंटी को भी जरूर बजा लेना, बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ लर्निंग के लिए आपकी। तो चलिए बीटीसी के प्राइस पे चलते हैं अभी सीधा, और अभी बीटीसी का प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये तो पक्की बात है क्योंकि देखोगे आप यहाँ पे अभी भी ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अभी यहाँ पे एक विग मारी है बीटीसी ने, तो इस एरिया को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एरिया देखो मैंने पहले का बनाया हुआ, आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, ये सारे लोअर लो जो मैंने बनाए हैं ना, ये पहले से ही बनाए हुए हैं, और वहीं पे जाके बीटीसी ने टच किया और वहीं से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। अब अगला सिनेरियो क्या हो सकता है, हो सकता है बीटीसी दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आए, ये शॉर्ट टाइम पे बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करे, तो आपको इस एरिया का वेट करना है। यहाँ पे आप ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, अगर बाउंस बैक करता है हो सकता है यहीं पे बीटीसी घूमे और एकदम से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना दे। ये सिनेरियो मुझे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा लग रहे हैं कि ऊपर जाने के ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर यहाँ से करेक्शन आती है तो हमें करेक्शन ये देखना है कि करेक्शन ये आते हुए इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करे या फिर इस एरिया को सपोर्ट करे 54,000 को, तो यहाँ से मान सकते हैं कि ये एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, एक लो ये लगा, एक ये लो लगा, एक यहाँ पे लो लगा या फिर यहाँ लगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने लो हैं वो छोटे लग रहे हैं और हाई उससे ऊपर ऊपर आए जा रहे हैं, तो यानी कि ये कंफर्मेशन होता है कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें देखना है, अभी थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना है, बहुत जल्दी ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बुलिश होना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो बॉटम क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं बीटीसी का। देखो मैंने ना फिब का लेवल निकाला है और प्लस मैंने वॉल्यूम चेक करी है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कहाँ पर ज़्यादा है, ट्रेड किस साइड पे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट बनता है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर ये दिखाता है कि सपोर्ट देखो एक तो ये बनता है 51,000 से लेके 52,000 का, मतलब आप ये जोन लगा लो 53,000 से लेके मोटा मोटा 50,000 का सपोर्ट लगा लो बीटीसी का, जो कि वॉल्यूम इंडिकेटर की तरफ से बनता है। प्लस अगर आप यहाँ पे फिब लेवल यूज़ करते हो तो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 0.5 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है, और नेक्स्ट लेवल बनता हुआ नज़र आता है 44,000 से लेके 42,000 का। अब यहाँ पे बहुत ह्यूज वॉल्यूम है, आप चार्ट में देखो कितनी ह्यूज वॉल्यूम है, तो माइट बी पॉसिबल यहाँ पे अगर बीटीसी ये वाला एरिया ब्रेक करता है तो सीधा क्रैश होके और एक विग मार सकता है, मतलब क्रैश होके एक विग मारेगा और फटाफट से प्राइस ऊपर आ जाएगा,
जो कि मुझे लग रहा है डेली चार्ट के अंदर। तो आपको ये चीज नोटिस करके रखनी है कि अगर बीटीसी अभी देखो अभी सपोर्ट तो बना लिया बीटीसी ने इस एरिया पे, अगर यहाँ पे टिका रहा तो डेफिनेटली ये बॉटम बन सकता है बीटीसी का। और यहाँ पे ये एक चीज आप नोटिस भी करना कि एक बुल फ्लैग भी बन रहा है, तो उसके हिसाब से भी यही बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज हमें देखनी है अकॉर्डिंग टू फिब लेवल, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम चार्ट, यही दो लेवल निकल के आ रहे हैं बीटीसी के जहां पे बीटीसी बॉटम बना सकता है। हमने ऑलरेडी 52,000 का लेवल हिट हो चुका है, अब देखने वाली बात होगी कि 52 के नीचे ना जाए बीटीसी का प्राइस, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि हमें एक लोअर हाई का फॉर्मेशन जो है वो तोड़ना होगा मार्केट में, जो मैं आपको शॉर्ट टाइम में बता रहा हूँ। ये फॉर्मेशन जैसी टूटा ना, आप ये लगा लो इस तरीके से ट्रेंड लाइन लो, और ये फॉर्मेशन जैसी टूटा यहाँ पे बीटीसी का प्राइस इस तरीके से होने लग गया, तो आप समझ लेना कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है। बीटीसी अब यहाँ पे जो है ये बॉटम बना चुका है फिलहाल के लिए, मतलब अब ये कन्फर्मेशन मिल गया हो, और जैसे जैसे सितंबर का महीना खत्म होता रहेगा तो हमें और ज्यादा कन्फर्मेशन मिलती रहेगी इस चीज की कि हाँ बॉटम पास आ रहा है, ये भी हमें नोटिस करके रखना है। उसके साथ मैंने आपको बताया सीपीआई डाटा का, सीपीआई डाटा कल आना है और ये 2.6 का फोरकास्ट है, यानी कि यहाँ पे सुधर रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रही है। क्यों हो रही है? प्रीवियसली 2.9 था, तो ये देखने वाली बात है कि फोरकास्ट जो है वो चेंज ना हो, और इस फोरकास्ट जितना ही आ जाए बीटीसी कह रहा हूँ, फोरकास्ट जितना ही सीपीआई डाटा आ जाए एक्चुअल में 2.6 से कम आ गया तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी, ग्राफ तो नीचे जा रहा है, कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो डेफिनेटली हम लोग एक लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे जब ये आएगा, तो आप लोग जुड़ सकते हो वहाँ पे, मेरे हिसाब से 6 बजे के करीब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी स्टिल डोमिनेंस थोड़ा सा हिली थी, अब दोबारा से मजबूत हुई बीटीसी जैसे ऊपर आया, तो ये वाली चीज़ भी देखने वाली होगी कब डोमिनेंस टूटना शुरू होती है ताकि ऑल्ट्स को हेल्प मिले ऊपर जाने के लिए। उसके साथ ब्रेकडाउन आया है यूएसडीटी डोमिनेंस में भी, तो आपको पता ही है यूएसडीटी डोमिनेंस जब नीचे जाती है क्रिप्टो मार्केट के लिए कितना अच्छा होता है कि ये डाउन ट्रेंड क्या शुरू हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे करके, अगर ये नीचे आ जाता है तो हम मानेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड में आ गया और बीटीसी ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये देखते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि कई बार हमने देखा है इस तरीके से एरिया को तोड़ के ऊपर आ जाता है दोबारा से, तो इस तरीके से भी मोमेंटम कई बार कर जाता है मार्केट। तो लेट्स सी, अभी आने वाले टाइम में देखेंगे। इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखो कितने सारे चार्ट्स आपके लिए फ्री में शेयर करता हूँ यहाँ पे, नॉलेज देता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो अब आते हैं ऑल्ट्स के ऊपर, पहला इथेरियम, डेफिनेटली इथेरियम को बाय करना चाहिए, बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं इथेरियम इज डेड। जब भी ये बातें बोली जाती हैं, 2021 में भी यही बातें बोली जाती थी जब मार्केट गिर रहा था, तो आप ये लगा लो कि इथेरियम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो यही चीज़ है यहाँ पे अच्छा एरिया है बाय करने का मेरे हिसाब से, $2100 के पास बाइंग कर सकते हो। अभी भी पार्ट्स में एंट्री लोगे तो बेटर रहेगा, मैं ऑलरेडी पार्ट्स के अंदर ले रहा हूँ, मेरे कुछ ऑर्डर $1900 के पास भी लगे हुए हैं स्टिल। रेंडर के बारे में मैं बोलूँगा, काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, रेंडर को बाय करते रहो अभी फिलहाल। अगर ये ब्रेकआउट करता है इस एरिया का तो समझ लेना कि आपको ये 20-25% की तो शॉर्ट टर्म में रैली दे देगा, तो आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड भी प्लान कर सकते हो इस एरिया के ऊपर 5.277 के ऊपर, ठीक है। और रही बात पार्ट्स के अंदर एंट्री लो, काफ़ी स्ट्रांग है रेंडर, माइट भी पॉसिबल अगर बीटीसी थोड़ा नीचे आता है तो ये दोबारा से टेस्ट कर सकता है $4 को और $3.50 को, तो ये मेरा टारगेट रहेगा बाई चांस अगर इस एरिया पे आता तो और एक्यूमुलेट करूंगा। और उसके बाद ये ने के बारे में बात करते हैं भाई, ये 10-20x प्रोजेक्ट हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, 87% डाउन चल रहा है इस टाइम ये ने, तो इसको भी बाय कर सकते हो, बट हाई रिस्क रहेगा डेफिनेटली क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में नहीं आया, तो अपने रिस्क के हिसाब से बाय करना। मैं इसमें बोलूंगा एटलीस्ट 4 एंट्रीज लो आप, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ही लो, बल्कि मैं बोलूंगा अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। 22 सेंट पे आ चुका है, $1.50 का हाई लगाया है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये $2-3 लॉन्ग टर्म में जा सकता है। इंच के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बॉटम पे है, आई थिंक इसको यहाँ पे ग्रैप करना चाहिए, ऑलरेडी मैंने इसकी बाइंग दी थी $15 के पास, और अगर ये नीचे आता है बीटीसी विग मारता है ना वो वाला जो मैंने आपको ये लेवल बताया, ये एरिया कवर करने आता है, तो आप ये लगा के चलना कि इंच भी जो है वो टेस्ट कर सकता है $9.50 को, तो ये दो एरियाज पे आप बाइंग करो अपनी, धीरे धीरे करके पैसा लगाओ। दूसरा थॉर के बारे में बात करें, रून बहुत स्ट्रांग है,
डेफिनेटली इसको $3.5 के पास, $3.2 के पास पिक कर सकते हो आप। और इसकी जो ये विग लगी है काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, मुझे तो यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है, रून काफ़ी स्ट्रांग रहेगा इस बुलरन में। उसके बाद ईथीफाई के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन ये बहुत रिस्की कॉइन रहेगा, 87% मेरे हिसाब से डाउन है, 83% या 87% एक बार चेक कर लेते हैं। यस 87% ये डाउन चल रहा है, स्टिल ये डाउन ट्रेंड में, बट बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है इसको एक्यूमुलेट करने का। तो पार्ट्स में एंट्री ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा अब ये जो है 10-5% और गिर सकता है, इसमें ज़्यादा रूम नहीं है गिरने का। तो $1 से थोड़ा सा नीचे आ सकता है ये, तो मेरे हिसाब से इसको एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, बढ़िया एरिया पे चल रहा है। ठीक है, डॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं। डॉग्स स्टिल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है डॉग्स जो कि बनता है 0.0011 का, तो आप ये लगा लो कि एक अच्छी रैली इसमें आ सकती है दोबारा से अगर ये एरिया ब्रेक करता है। अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मुझे अभी थोड़ा लगता है आपको वेट करना पड़ सकता है, ये ब्रेकआउट करे एक अपर ट्रेंड में आए तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और एक बात याद रखना, काफ़ी लोग इसे बोल रहे हैं कि $1 तक चले जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है भाई। मुझे लगता है कि ये जो है इसकी मार्केट कैप जो है ना $5 बिलियन तक जा सकती है। $5 बिलियन तक अगर जाती है तो मुझे लगता है इसका प्राइस जो है 5 से 10 गुना मिल सकता है हमें। तो अगर आपने किया हुआ तो आप 6 महीने साल वेट कर सकते हो, 6 मंथ, तो यहाँ से आपको एक बड़ा रिटर्न मिल सकता है डॉग्स के अंदर 5 से 10 गुना, बट नॉट $1 तो कभी नहीं जाएगा, तो वो तो फायदा नहीं है कोई बोलने का, बहस करने का। तो गाइज ये थे सारी कॉइन्स और मार्केट अपडेट, आई होप आपको मजा आया होगा। तो यार जरूर लाइक करना, डेफिनेटली लाइक करना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगेन बोल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज, टेक केयर।